हेलो एवरीवन, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2019, फिर 2020 और 2021। तो जो हम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आपको पता है कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें 2 घंटे हमें मिलेंगे। और जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आप देख सकते हैं कि उसके 2 क्वेश्चन हमें अटेंड करना ज़रूरी है। हमारे पास 4 आएंगे, साप्रसंग व्याख्या 4 आएगी, जिसमें से हमें 2 करनी है और वो 20 नंबर की होंगी दोनों मिला के। इसी तरह हम बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो साप्रसंग व्याख्या है हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा बहुत मतलब इसको मतलब आप अगर ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी मैं आपको जब मैं अपनी सारी जो स्टोरीज हैं उनसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी उसके बाद डिस्कस करूंगी, सो दैट आपको इन कहानियों के जो इन्हें अवतरण हैं इनके सिर पर समझ में आए, है ना। तो इसी तरह तीसरी कसम कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो तीसरी कसम कहानी का मूल्यांकन पर मैं वीडियो लाने वाली हूँ। इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है, एक है कि ग्रामीण संवेदना और दूसरा है तीसरी किस्म का मूल्यांकन। सिर्फ यही 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ना ये पूरी कहा जो बुक है उसमें नई कहानियाँ ही दी हुई हैं, तो नई कहानी आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए उसकी विशेषता पर आपके पास आएगा। तो आप और इसके लिए ना आप चाहें जैसे वो MSD 9 के लिए आपने जो प्रिपेयर किया था नई कहानी चैप्टर किस में था, वो 19 में, तो आप वहाँ से भी वो भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी नई कहानियों की विशेषता ही थी। वो 43 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसमें हम अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी उनकी स्टोरीज को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वाले जब इसमें हम पढ़ेंगे ना तो हम इस बुक के जो राइटर्स हैं उनकी स्टोरीज दी हुई हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें खुद ही मतलब अपने आप ही ना थोड़ा आइडिया बन जाएगा। बाकी मैं इसके लिए नई कहानी के आंदोलन का जो मूल्यांकन है उस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगी, जो कि MSD 11 की जो स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, और फिर हंसा जाया के लिए बहुत छोटी सी स्टोरी है, और क्या बोलते हैं इसका जो पात्र होता है बहुत सीधा साधा है, इसका प्रतिपाद्य आएगा यानी समरी, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह बहिर्गमन जो है उसकी अंतर्वस्तु पर रेखांकित करने के लिए प्रश्न आएगा, आप इस पर भी हम आने वाले समय में वीडियो लाएंगे। और इसी तरह एक जीता जागता व्यक्ति, ये बहुत खूबसूरत कहानी है, इसका कथ्य और शिल्प विवेचन से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। इसी तरह हमारे पास ना टिप्पणी आएगा, टिप्पणी में हमेशा 2 ही करनी होती है, 4 हमारे पास ऑप्शन होते हैं। साठोत्री कहानी, तो साठोत्री कहानी आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी प्रीवियस वाली जो MSD 9 के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और राजा निर्वंशिया जो है उसका कथ्य मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, और उसी के साथ जो है दलित सौंदर्य और सिलिया कहानी पर मैं ऑलरेडी वीडियो ला रखी हूँ, बाकी मैं सिलिया ला दूंगी। कथाकार अखिलेश जो है राइटर है उनके बारे में टिप्पणी करने को आ गया है, जैसे किसी भी राइटर पर टिप्पणी करने को आ सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं और 2019 पर जब हम बात करते हैं 2019 में हमें क्या देखने को मिलता है, ये मतलब से पहले हमारे पास 4 सप्रसंग व्याख्या है जिसमें से 2 करनी है, उसके बाद नई कहानी आंदोलन में जो है परेश्वरनाथ रेणु का योगदान जो है उस पर उसको रेखांकित करने की बात की गई है। और इसी तरह जैसे पिछले में हमने देखा कि तीसरी किस्म का मूल्यांकन है, वहीं पे तीसरी किस्म के आगे जो कहानी है वो डिप्टी कलेक्टर है, तो डिप्टी कलेक्टर का मूल्यांकन हमारे पास करने को आ रखा है। इसी प्रकार बदबू कहानी का प्रतिपाद्य आ रखा है, तो बदबू कहानी का प्रतिपाद्य पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। इसी तरह मलबे का जो मालिक है कहानी के प्रमुख जो चरित्र हैं उन पर प्रकाश डालने की बात की गई है, तो जैसे मलबे का मालिक है उसमें प्रमुख चरित्र कौन है, जो जिसका एक्चुअल में घर होता है, जो उस मतलब किसी बहाने जब यहाँ पर आता है अपना घर देखने के लिए, एक वो होता है, दूसरा जो पहलवान होता है, तो यही मेन करेक्टर होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, मलबे का कहानी बहुत खूबसूरत कहानी। इसी तरह बोलने वाली जो औरत है कहानी की, जो दीप शिखा है आम मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन है और इस कथन की हमें समीक्षा करनी है ना, एक तरह से इस कथन को मतलब समीक्षा करके दिखाना है, स्टोरी के बारे में डिस्कस करना है और वो किस प्रकार ये कथन उससे संबंध रखता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसे कैसे रिलेट करती है, क्यों कहा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है।
तो बोलने वाली, और जब हम स्टोरी पहले आपको प्रतिपाद्य पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे कथन की समीक्षा करना सिखाएंगे आपको। बायोडाटा जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है आया हुआ है कथ्य। इसी प्रकार सिलिया कहानी में जो दलित चेतना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दलित चेतना से संबंधित जो है आया है। इसी तरह सचेतन कहानी, जो आपको पता है समकालीन कहानी में अचेतन कहानी, सचेतन कहानी, आ कहानी आदि आए थे, तो उस पर इसी तरह एक राइटर है काशीनाथ सिंह, उन पर आया हुआ है टिप्पणी करने को, तो वो डिस्कस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है सप्तसंग व्याख्या के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चंस आते हैं, और 6 क्वेश्चन में से हमें किन्हीं 3 को करना होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हम जब देखते हैं 2020 में हमारे पास कौन से क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहले सप्तसंग व्याख्या आई हुई है। सप्तसंग व्याख्या मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। अगर हमारे पास 21-20 स्टोरीज हैं तो उसमें से सिर्फ 9 पे ही आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार राजा निर्वंशिया जो है उस पर अंतर्वस्तु यानी राजा निर्वंशिया इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार तीसरी कसम कहानी जो है नई कहानी में ग्राम संवेदना वाला जो वीडियो आने वाली है उस पर बात करेंगे। यही सच्चे कहानी का प्रतिपाद्य, मतलब इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार जो युवती होती है वो अपने पूर्व प्रेमी के पास रहती है तो सोचती है जब वो अपने पूर्व प्रेमी के पास रहती है तो सोचती है कि यही सच है, और वहीं पे जब अपने वर्तमान जो प्रेमी के पास आती है और फिर उसके बाद वो सोचती है कि ये सच है, मतलब अपने ही मन में अंतर्द्वंद्वों में वो फंसी रहती है, उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में सच क्या है, वो किसे प्यार करती है। तो ये यही सच कहानी में दिखाया गया है कहानी। और उसी प्रकार जो रविंद्र कालिया हैं उनके महत्व पर, मतलब जो राइटर्स हैं ना उनके ऊपर भी इस बुक में आ सकता है, ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रविंद्र कालिया का महत्व बताना है तो उनकी कहानी के माध्यम से ही उनका महत्व बताया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार तलाश जो कहानी है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तलाश कहानी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और तलाश कहानी की इम्पोर्टेंस बतानी है। इसी प्रकार हमें टिप्पणी करनी है, तो अमरकांत की कहानियों का जो महत्व है वो बताना है कि नई कहानी कला के नई कहानियाँ जो हैं उसके कहानीकार माने जाते हैं। इसी तरह हंसा जो है उसका व्यक्तित्व बताना है, हंसा जो अकेली वाला चैप्टर है उसमें से हंसा का व्यक्तित्व बताना है, हंसा जो पात्र है उसका, और ड्राइंग रूम जो कहानी है उसका जीवन दर्शन करना है, ठीक है। ड्राइंग रूम कहानी का एक प्रतिपाद्य भी लेकर आएंगे हम। इसी तरह आ कहानी यानी समकालीन कहानियों में आ कहानी था तो आ कहानी पर आपको डिस्कस करना है, क्योंकि नई कहानी के बाद ही आ कहानी अचेतन कहानी इनका दौर आया था, इसीलिए इन पर भी इस काल की भी स्टोरीज इस बुक में, इसी वजह से इन पर टिप्पणी करने को आ रखा है। इसी प्रकार अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर है 2021 का, इस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको पहले यह आएगा सप्तसंग व्याख्या, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी कसम कहानी में ग्राम संवेदना जो कि मैंने बता रखा है, नेक्स्ट वीडियो इसी पर आएगी। मलबे का मालिक जो है वो कैसे बताता है कि देश विभाजन के बाद जो देश विभाजन जो था उसके दंश से किस प्रकार लोग प्रभावित होते हैं उसको अभिव्यक्त करना है, वो कैसे अभिव्यक्त करती है तो उस पर डिस्कस करना है बेसिकली, है ना। जैसे उसका जो पात्र है मुख्य पात्र उस पर कैसे असर पड़ता है, ऐसे सिर्फ उसी पात्र पर नहीं देश के ऐसे अनेक जो लोग हैं विभाजन से जो त्रस्त हुए थे, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, हिंसा सांप्रदायिक हिंसा का अंग मतलब बन गए, शिकार बन गए थे, उस पर डिस्कस करना है, तो वो वाला इस पर आएगा। और इसी प्रकार मुक्ति बोध की कहानी है, क्लर्ड इथ्राली जो है उनका चित्रित जो फैंटेसी है इस कहानी में, फैंटेसी जो है उस पर बात करनी है। इसी तरह बोलने वाली कहानी में जो स्त्री दृष्टि है उस पर बात करनी है, तलाश कहानी की जो भाषा है उस पर डिस्कस करना है। इसी तरह नई कहानी पर, नई कहानी जो है ना बेसिकली उस पर नई कहानी आंदोलन इस पर याद करना पड़ेगा, आपको एक वीडियो आएगी। इसी तरह जो ज्ञान रंजन उनकी भाषा जो है कथा की भाषा उस पर बात करेंगे। राजा निर्वंशिया जो लिखी गई है इसके मंतव्य क्या है, पता है ना राजा निर्वंशिया बहुत बड़ी स्टोरी है, और इस स्टोरी में एक वर्तमान लव स्टोरी चलती है पति पत्नी की, वहीं पर राजा जो है उनकी लव स्टोरी चलती है, लेकिन दोनों की स्थिति जो है दोनों स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल सेम सी ही होती है कि किस प्रकार दोनों ही अपनी स्त्री पर किसी अन्य पुरुष का जो है वो वश नहीं देख सकते हैं,
और मतलब किस प्रकार ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इस ये स्टोरी मैंने पूरी पढ़ी हुई है, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी थी, इसलिए थोड़ा सा ना मतलब सोच रही थी मैं कि कब लाऊँ इसकी वीडियो कब नहीं, तो मैं इसकी वीडियो जल्दी ले आती हूँ आपके लिए। इसी तरह जो डिप्टी कलेक्टर कहानी, किस प्रकार पिता की मंशा होती है कि अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाए, जो सपना उनका अधूरा रह गया वो पूरा करना चाहते हैं बेटे के माध्यम से, तो उसकी जो मूल संवेदना उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमने 10 मिनट में पूरा पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे ना उसमें सापसंग व्याख्या पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।